एक न्यू टेक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने जो है कि इमेज है उसके बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो इजीली अपने स्मार्टफोन से। तो दोस्तों, काफ़ी बार ये हो जाता है कि जो हमारा इमेज है उसका जो है कि बैकग्राउंड मतलब अच्छे ढंग से नहीं आ पाता, एंड इस सिचुएशन में हमें जो है कि बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ता है। एंड या हम अपने जो यूट्यूब थंबनेल बैनर है उसके लिए अपने जो है कि इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। तो दोस्तों, उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो हम पहले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ है मेरा कोई भी, आपको एक अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। किसी भी आप अपने जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर सकते हो। एंड फाइनली जो है कि मेरा यहाँ मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है कि ओपन हो चुका है। एंड मैं यहाँ सर्च करता हूँ BG रिमूव, MOVE। आपको BG रिमूव लिखकर सिंपली इसको सर्च कर लेना है। एंड फाइनली ये है जो है कि ये ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ है इसकी जो है कि फर्स्ट। एंड दोस्तों, जो इसकी रिमूव बैकग्राउंड की जो ऑफिशियल वो है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ इसने साफ साफ लिख रख रहा है रिमूव इमेज बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली विद इन 5 सेकेंड विद जस्ट 1 क्लिक, डोंट स्पेंड आवर मैनुअली पिकिंग पिक्सल, अपलोड ए फोटो नाउ। यानी कि आप अपने जो बैकग्राउंड है उसको 5 सेकेंड में ही एक क्लिक पर जो है कि उसको रिमूव कर सकते हो, बिना जो है कि घंटे किसी भी जो साइट होती है उस पर घंटे बिताए। तो दोस्तों, मैं यहाँ रिमूव इमेज बैकग्राउंड है, मैं सिंपली इसी पर जो है कि ओपन कर लेता हूँ इसी को। एंड जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ है रिमूव इमेज बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री। ये दोस्तों फ्री एप्लीकेशन है, आपको नो पेड है, आपको कोई भी इसमें जो है कि पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप में देख सकते हो यहाँ काफ़ी जो है कि फ़ोटो हैं। एंड यहाँ है अपलोड इमेज, आपको यहाँ से अपना जो इमेज है उसको कर लेना है सिंपली अपलोड। एंड जैसे ही अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपकी जो है कि गैलरी ओपन हो जाएगी। एंड मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ डन है। एंड यहाँ ये अपलोड हो रहा है। एंड दोस्तों, फाइनली जो इसका बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है सेकंडों में ही। एंड देख सकते हो आप इसको अब थंबनेल के लिए भी जो है कि यूज कर सकते हो। ये इसका PNG बन चुका है। एंड आप इसको सिंपली अपने थंबनेल के लिए यूज कर सकते हो। एंड और भी कुछ बैनर वगैरह आप बना सकते हो इस फ़ोटो से। एंड यदि आप इस फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ है डाउनलोड, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड इसको यहाँ सेकंड है HD डाउनलोड, तो हम इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। एंड यहाँ इसका रेशियो है, फुल इमेज है। एंड यहाँ इसका जो फ़ोटो है इसका रेशियो है, यहाँ शो हो रहा। तो सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड डाउनलोड करने के बाद मेरे सामने डू यू वांट टू डाउनलोड, तो मैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा। एंड फाइनली जो मेरा फ़ोटो है वो हो चुका है डाउनलोड। एंड मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपनी गैलरी पर। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का जो है कि हमारा फ़ोटो शो होता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी गैलरी में। यहाँ है डाउनलोड। एंड मैं सिंपली इसी पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो जो इसका डाउनलोड का जो है कि बैकग्राउंड है वो यहाँ पर सफ़ेद हो चुका है। एंड मैं इसको अब यूज कर सकता हूँ किसी भी उसमें। तो एंड दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि हम इसका जो है कि बैकग्राउंड जो है कि एडिट करें और इसमें कोई अच्छा खासा जो है कि बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, तो यहाँ से जो बैकग्राउंड सेलेक्ट का ऑप्शन भी है, अपलोड बैकग्राउंड, तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड शो होने लगेंगे। एंड मैं यहाँ से फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है कि चेंज भी कर सकता हूँ। एंड देख सकते हो जैसा कि आप,
एंड मैं यहाँ इस पर एक और है इस पर क्लिक करता हूँ। एंड देख सकते हो आप कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ पर। एंड दोस्तों आप यदि कलर का करना चाहते हो लाइक रेड कलर है वाइट है किसी भी कलर का आप कर सकते हो। एंड यहाँ से जो है कि आप अपना जो पहला वाला फ़ोटो है उसको भी यहाँ आप ला सकते हो ब्लर कर सकते हो। एंड दोस्तों इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपना जो कि फ़ोटो का बैकग्राउंड इसी साइट से जो है कि रिमूव करते हैं। एंड इसमें सेकंड ऑप्शन है यहाँ इरेज एंड रिस्टोर का, यहाँ से है ब्रश साइज एंड आप किसकी ब्रश साइज को भी जो है कि आप रिमूव कर सकते हो कहीं से। एंड यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो। एंड सेकंड है यहाँ थर्ड है क्लोज एंड आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो दोस्तों जो आपका फ़ोटो है जो आपका बैकग्राउंड है असली बैकग्राउंड उसको आप ब्लर कर सकते हो। एंड आप यहाँ पर काफ़ी सारे जो है कि हमारे सामने बैकग्राउंड आ जाएंगे, हम इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो आप एंड यहाँ एक कुछ नेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। एंड देख सकते हो फाइनली यहाँ बैकग्राउंड यहाँ लग चुका है। और एंड मैं एक जो है कि सेम कलर का लगा देता हूँ यहाँ पर। एंड दोस्तों आप किसी भी टाइप का जो है कि बैकग्राउंड यहाँ पर लगा सकते हो एंड आसानी से जो है कि आप मिनटों में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। दूसरा जो है कि हम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और हम उसका जो है कि बैकग्राउंड रिमूव कर कर दिखाते हैं आपको। एंड मैं यहाँ से एक फ़ोटो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ ये अपलोड हो जाएगा। एंड अपलोड होने के बाद इसका जो है कि बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ही रिमूव जो है कि रिमूव हो जाएगा एंड ये PNG टाइप में जो है कि ऐड हो जाएगा यहाँ पर। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कभी आप मतलब ये सोचने लगो कि भाई आपने जो है कि इसका ऑलरेडी जो है कि बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है। एंड इसी नॉलेज के लिए मैंने आपको जो है कि सेकंड फ़ोटो जो है कि यहाँ पर अपलोड किया है। एंड मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड डाउनलोड करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज कर दिखाऊंगा आपके लिए। एंड यहाँ है एडिट का ऑप्शन, यहाँ है एडिट फ़ोटो के कॉर्नर में बिल्कुल ऊपर। एंड जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इस टाइप का आ जाएगा। आप यहाँ से जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है उसको भी ब्लर कर सकते हो एंड इसमें कलरफुल जो है कि बैकग्राउंड भी हैं उनको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ काफ़ी सारे जो है कि बैकग्राउंड हैं उनको आप यहाँ से लगा सकते हो। एंड मैं यहाँ इसके एक बैकग्राउंड को लगा देता हूँ। देख सकते हो आप कितना अमेजिंग लग रहा है फ्रेंड, जो इसका बैकग्राउंड था वो टोटली रिमूव हो चुका है। एंड इसमें नीचे है कलर्स, आप मतलब एक टाइप के जो है कि जो सेम कलर का यानी कि आप एक ही रंग का आप बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे यहाँ ग्रीन एंड और भी कलर आप सेट कर सकते हो। नीचे काफ़ी सारे कलर हैं, यहाँ रेड है। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जिलसाद डैमरोज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी पर इसी तरह की जो है कि टैग वीडियो है एंड यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हम इस पर अपलोड करते रहते हैं। एंड वीडियो करते हैं हम क्लोज़, जो है कि हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है कि लार्ज हो चुकी है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंड टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।